हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी भाई। बरसात का मौसम है और मूंग दाल के मंगोड़े ना खाएं तो ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए बनाते हैं मूंग दाल के मंगोड़े जो बहुत झटपट बन जाते हैं। तो मूंग दाल मंगोड़े बनाने के लिए बस इतना ही सामान चाहिए। यहाँ पर मैंने मूंग दाल ले लिया 1 कप भिगोकर, साथ में इसमें जाएगा नमक और ज़ीरा और हल्का सा चाट मसाला ऊपर से डालेंगे। और यहाँ पर चटनी के लिए मैंने सामान ले लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना ले लिया है और थोड़ा सा 8 से 10 मैंने लहसुन की कलियाँ डाल ली हैं। थोड़ा ही मैंने धनिया लिया है 1 कटोरी के करीब। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर को काट लिया है और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ले ली हैं। अगर आप टमाटर ना डालना चाहें तो आप कच्ची आम ही डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम दाल को ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मिक्सी जार, इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी सारी दाल जो हमने भिगो ली है 2 घंटे के लिए। इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 हरी मिर्च के करीब और नमक हम इसके अंदर बाद में मिलाएंगे जब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दाल पिस गई है और इसे हमने निकाल लिया है। दाल और हरी मिर्च पिस के एक पेस्ट बन गया है। और अब इसके अंदर एक ट्रिक है, आपको इसको बहुत अच्छे से फेंटना है। जितना आप ज़्यादा फेंटेंगे उतने ही अच्छे आपके दाल के मंगोड़े बनेंगे। तो बहुत सारा फेंटिए, ये देखिए कितने अच्छे से फेंट कर यहाँ पे कितना अच्छा इसके अंदर वॉल्यूम आ गया है, फ्लफ हो गई है दाल। पहले येलो कलर की थी, अब थोड़ा सा लाइट कलर में हो गई है, हल्की सी वाइटिश हो गई है। तो इसका मतलब हमारी दाल रेडी है। तो इसको चेक करने की एक ट्रिक है, एक प्याली में पानी ले लेंगे और उसके अंदर हमारा जो दाल का पेस्ट है वो डाल के देखेंगे। अगर इसके अंदर ये जो दाल का पेस्ट है नीचे डूब जाता है तो अभी रेडी नहीं है, बट ये नहीं डूब रहा है, ये ऊपर तैर रहा है। इसका मतलब हमारी दाल रेडी है पकौड़े बनाने के लिए या मंगोड़े बनाने के लिए। तो बस इसी टाइम हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसको भी हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। सॉल्ट पहले ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो दाल पानी छोड़ देगी। तो यहाँ पर हमारा तेल भी हो गया है गरम। तो चलिए मंगोड़े बनाते हैं और बहुत ही आसान है, हाथ से नहीं बनाएंगे हम, स्पून से बनाएंगे। तो बस 1 चम्मच स्पून में थोड़ा सा पेस्ट लीजिए और इसको बस हल्का सा पोर करिए और एक ही साइज़ के आपके मंगोड़े बनते चले जाएंगे। ये बहुत ही आसान है। अगर आप हाथ से बनाते हैं तो आपका हाथ भी बार बार गंदा होता है, तो आप स्पून से बनाइए और स्पून से एक ही साइज़ के आपके सभी मंगोड़े बनेंगे। हाथ से छोटे या बड़े बनते हैं, बट आप स्पून की सहायता से बनाएंगे तो एक बार में जितना स्पून में आएगा उतना ही लीजिए और ईजिली बस उसके अंदर तेल में उसको छोड़ दीजिए। इससे ना तो आपका हाथ जलेगा और ना ही आपके मंगोड़े अलग अलग साइज़ के बनेंगे, सारे मंगोड़े आपके एक ही साइज़ के बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार में लगभग 10 से 15 मंगोड़े बना लिए हैं। बस अब ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इन्हें स्पेस चाहिए होता है। मंगोड़े ये अपने आप बड़े होते हैं, इसके अंदर एयर आ जाती है। तो बस अब इन्हें 1 चम्मच की सहायता से पलट पलट कर दोनों साइड से सेकेंगे। अगर आप करछी का प्रयोग करते हैं तो एक साथ आप सभी मंगोड़ों को नहीं पलट सकते, तो किसी छोटी स्पून से या छोटी करछी से आप इसको पलट पलट कर इसको दोनों साइड से सेकेंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहें आपके मंगोड़े। तो